चलो बेटा करते हैं शुरू। आज हम कर रहे हैं मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज याद है क्या होती है? लास्ट टाइम सिखाई थी जो साथ साथ नहीं, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होते बट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। देखो एग्जांपल फाइव पिक कर रहे हैं, क्या कहता है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। क्या निकालना बेटा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा के लिए। अब कैसे करते हैं, एनी आइडिया? जब डिस्क्रीट सीरीज आए तो सबसे पहला काम आपको सीएफ बनानी है। क्या बनानी है? सीएफ होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे? ऐड करो 3, 7, 12, 14, 18, 23, 27, 30। क्लियर? अब इसको समझना बेटा, यहां एन क्या है? एन एन टोटल फ्रीक्वेंसी, या मैं बोलूं भाई कितने बार रिपीट हो रहा है एन। बात समझे या समझाऊं कैसे? एन 30 कैसे हुआ समझना किसी को? ऐड करके देख लो ना, ये एक सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं फ्रीक्वेंसी मींस क्या है, कोई चीज कितनी बार रिपीट होती है। अब आप खुद सोचो, थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी मेरे क्या हुए ऑब्जर्वेशन? 3, 3, 3, 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4। 9 कितने टाइम्स हो रहा है? 5। तो ऐसे करते करते कितने नंबर बैठ जाएंगे टोटल, खुद बताओ। अब पॉइंट क्लियर हो गया कि एन और सी एफ क्यों बराबर होते हैं? एन और सी एफ का लास्ट, चलो तो एन है 30 इवन। तो जब इवन हो कौन सा फॉर्मूला लगता है बोलो? 1/2 इंटू एन बाय टू टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन टर्म। ठीक है, एन बाय टू क्या हो जाएगा सर? 15 और प्लस 16। अब एक सेकेंड, अगर तो 15 टर्म है तो बहुत बल्ले बल्ले, ये नहीं है तो थल्ले थल्ले मत बोल रहा। अब समझो 15, अब 15 कहां से निकालनी है सर? सी एफ में से। देखो 15 है सी एफ में, 3 है, 7 है, 12 है, 15 नहीं है। अगर 15 होता फिर बात बनती, जरा सामने सामने लिख दे, थोड़ा सा वो हो रहा है ना मिक्सअप। आई गेस अब बेटर रहेगा, समवॉट बेटर, राइट? तो नाउ अब मेरे को ये बताओ, क्या मेरे पास है 30 है, आई एम सॉरी 15 है? नहीं है, कोई बात नहीं। अब अगर कोई नंबर नहीं है सी एफ में तो उससे बड़ा वाला ले लेना। बड़ा वाला क्या है? 18 के सामने नंबर क्या है? हाँ, एक्स एक्स देखना हमने, तो 13 राइट प्लस 16, ढूंढो 16 टर्म है, नहीं है तो क्या लेंगे? फिर से 18 13। तो कितना आएगा मीडियन? 26/2 दैट इज 13। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा व्हाट? एक मिनट, आपने बोला x माइनस m अपॉन में n, एग्जैक्टली यही मैं वेट कर रहा था। सिग्मा क्या आएगा बेटा? सिग्मा f इंटू एक्स माइनस m अपॉन सिग्मा f। नाउ तो पहले निकालो x माइनस m, क्या हो जाएगा सर? x माइनस m क्या होगा? 3 माइनस 13 10 आता है, 6 माइनस 13 7 पॉजिटिव लेके चलना है, 9 माइनस 13 12 माइनस 13 13 माइनस 13 15 माइनस 13 21 माइनस 13 8 22 माइनस 13 9। क्लियर? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10 4 इंटू 7, समझ आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इन दोनों का 1, 2, 5 into 4, 2 into 1, 4 into 0, 5 into 2, 4 into 8, 3 into 9,
कर दो 30, 28, 58, 58, 60, 60 और 60 और 30, 90, 90, मेरा 99 आ रहा है, नहीं 99 से ज़्यादा आ रहा है, दोबारा देखते हैं 30, 28, 58 और 70, 78, 80, 90, 90 और 32 कितना हो जाएगा, 90 और सीधा ले लेते 57, दैट इज 147, तो 147/30, चेक इट आउट, यही आंसर है मेरा 147/30 कित, थैंक यू मेरे बच्चा, 149 हो जाएगा ये 149, 7 पे नजर चली गई थी, 2 रह गया था, तो 149/30, तो दैट वुड, अरे वाह 5 से 1 रह गया काम, तो आपका कितना आ जाएगा ये 4, मैंने करा 49, तो मेरा आ गया 120, है ना 120, कितना रह गया 290, तो दैट इज 3.927 पे 20, 20, 4.97 राउंड ऑफ करके चेक इट आउट प्लीज, एग्जांपल है हमारा यही है, चलो इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं, चलो निकाल लिया इसका मीडियन एग्जांपल 7 में, नहीं ये कौन सी सीरीज है बेटा, कौन सी सीरीज है ये, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल सीरीज क्या बोलते हैं इसे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली इंटरवल्स वाली, राइट। चलो अब यहाँ मीडियन कैसे निकालते हैं सवाल ये आता है, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं सीएफ बनाते हैं, अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने कई स्टेप्स लिखवाए थे याद है पार्ट 3 के अंदर, वो स्टेप्स इसी के थे, सबसे पहला काम सीएफ बनाओ, राइट, फाइंड अ नंबर इन सीएफ विच इज जस्ट लेस देन एन बाय टू, वो नंबर देखो सीएफ में जो क्या हो एन बाय टू से जस्ट छोटा हो, जस्ट छोटा समझते हो ना, सी एफ बनाओ बेटा 6, 13, 28, 44, 48, 50, ये आ गया 50, राइट। अब एन बाय टू से छोटा नंबर देखो 25, किस में देखना है सी एफ में, थोड़ा सा इसे इधर करते हैं, क्या आया 13, ये नंबर आपका बनेगा सी एफ, क्या बनेगा बेटा ये सी एफ बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था मैंने पॉइंट उसमें, द क्लास इंटरवल सक्सीडिंग सी एफ इज योर मीडियन क्लास, मतलब वो क्लास इंटरवल जो क्या हो सी एफ के बाद वाली हो क्या कहलाएगी मीडियन क्लास, क्लियर। तो यानी मीडियन क्लास कौन सी हुई खुद बताओ 20 to 30, 10th क्लास के अंदर इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता था, आपकी मीडियम क्लास के सामने आपकी हमेशा एफ दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, तो एफ क्या हो गया ये, ओके एफ 15, एच कितना हुआ गैप, एल कितना हुआ, एल लोअर लिमिट मीडियम क्लास की 20, लगा दो फॉर्मूला, मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल प्लस n by 2 minus cf upon f into में h, l is what n by 2 25 cf upon f 15 into h, कट कर दो 20 plus ये कितना हो गया 2 ये 3 12 into 2 by 3, right, कितना आ रहा है ये 28, मीडियन तो आ गया 28, राइट। तो अब क्या निकालते हैं इसके बाद x माइनस m, x माइनस m के लिए मेरे को क्या चाहिए x चाहिए, तो पहले x निकालो, x कैसे निकालता है, x कैसे निकालता हूँ बोलो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2,
तो 0 + 10 10 डिवाइड बाय 2 5। अब क्या करो, गैप ऐड कर दो। गैप कितने का है, कितना जगह 15 25 35 45 55। बोलो यहाँ तक क्लियर, यस और नो? अब क्या करेंगे सर, x माइनस एम निकालो, पंगे x माइनस एम, ये रहा 5 - 28 कितना हो जाएगा 23, 15 - 28 13, 25 - 28 3, 35 - 28 7, 45 - 28 17 और 27। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस एम 6 × 23 आपका हो जाएगा 138, 7 × 13 91, 15 × 3 कहाँ पर थे, 15 × 3 45, 16 × 7 16 × 7 का कितना होता है बेटा 112। पॉइंट क्लियर? आगे 4 × 17 17 × 4 जा 2 × 27 54। अब क्या कर दो, इसका टोटल कर दो, 8 9 10 11 11 और 5 16। अच्छा मेरे को 14 बोला आपने, ओके 16 और 12 28 तो कैरी 5 9 14 14 और 4 18 19 19 और 11 30 तीन कैरी 4 5 508 आ रहा है। अब मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा एक बार, सही है? सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन में सिग्मा एफ, चेक करो बेटा एक बार कैलकुलेशन, 508/50 तो ये आपका आ जाएगा 10.16। लेट मी चेक, 10 तो क्या 500 का 8 बचा है मेरा, 8 का 1 2 0 1 6 नहीं आएगा, 1 6 आ गया, ठीक है 1 6 आएगा। क्लियर करो इसे नोट।